आप ओलंपिक में इंडियन के साथ क्वार्टर फाइनल था आपका, जब आपका थर्ड सेट था 11-9 थे आपका स्कोर, अलावा क्या टैक्टिक्स दिमाग में रखी थी? एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने काफी सारी स्ट्रेटजीज होती है सिंगल गेम में, आप कितने परसेंटेज तक उसको अप्लाई कर पाते हो? मतलब हर रैली कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी के ऊपर ही होता है। टेंशन जब हाई करते हैं मतलब, तो उसमें आपका रिपल्शन कम होता है? 32 के टेंशन में और 28 के टेंशन में भी बहुत फर्क रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू टाइम देने के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर आपसे कि आपके कोच पुलेला गोपीचंद सर हैं, आप उनसे क्या ऐसी चीज़ सीखे हो, मतलब कुछ ऐसी क्वालिटी सीखी हो जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेम के अलावा? मेरे हिसाब से ऑब्वियसली जो मेरे बैडमिंटन के करियर में उनका बहुत हेल्प था पहले से, उनका बहुत इन्फ्लुएंस था मेरे बैडमिंटन के करियर में। और एक ऐसा चीज़ है जो मैं उनसे सीखा हूँ तो वो है डाउन टू अर्थ वाला, जो क्वालिटी जो है बहुत डाउन टू अर्थ रहता है, बहुत सबको मतलब बड़े भी हो, एज में बड़े हो, छोटे हो, उनके काम के हिसाब से भी हो, छोटे हो बड़े हो, सबको एक तरीके से ट्रीट करते हैं। सो वो शायद से मैंने उनसे सीखा हूँ। मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ अभी मैं ऐसा रहने के लिए, हाँ। मेरे लाइफ में भी जितना कर पा रहा हूँ वो मुझे पता नहीं है, पर मैं तो कोशिश तो जरूर कर रहा हूँ। जैसे आप ओलंपिक में इंडियन के साथ क्वार्टर फाइनल था आपका, तो जैसे जब आपका थर्ड सेट था 11-9 थे आपका स्कोर, मतलब क्लोज था काफ़ी ज़्यादा, उस टाइम पे आपकी क्या मेंटेलिटी थी? मतलब आप क्या चाह रहे थे कि सेट मेरे को जीतना ही है, ये तो होगी ऑब्वियसली मेंटेलिटी, लेकिन उसके अलावा क्या टैक्टिक्स दिमाग में रखी थी आपने मतलब उसके खिलाफ? तो वहाँ एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने जब फर्स्ट सेट हार चुका था मैंने, फिर सेकेंड सेट के स्टार्टिंग में सिर्फ ये था कि फर्स्ट सेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस था स्कोर में, तो सेकेंड सेट के शुरू में बस ये था कि और भी अच्छा खेलना है बस। वो जब मैंने जब वो सेकेंड सेट जीता हूँ तो थर्ड सेट में भी वही था सिर्फ कि अच्छा खेलना है, और मुझे भी पता है कि वो मतलब उसके पहले दो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीत चुका है, तो मुझे पता है कि वो और भी बढ़िया कमबैक करेंगे थर्ड गेम में, तो मुझे बस ये था कि अच्छा खेलना है, लास्ट तक फाइट करना है। तो जब 11 पॉइंट्स के ब्रेक में भी जब हुआ था तब भी मेरे को बस मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं था कि मैं लीड हूँ, मैं जीत रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में, सिर्फ ये था कि मुझे अच्छा खेलना है और 100% देना है। मतलब जब ये था कि जब बराबर स्कोर चल रहा था उस टाइम पे, मतलब आपको ये लग रहा था कि भाई हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ये कुछ ना कुछ करेंगे अलग? देखो वो तो पता ही था क्योंकि इतने सारे टूर्नामेंट जीत चुका है ऑलरेडी, और उसके पहले दो ओलंपिक जीत चुका है, उसके पहले 5 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुका है, तो उनके पास ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो होंगे। और बस ये मुझे तो बस ये था कि ये मेरा अपॉर्चुनिटी है, अगर मैंने सिर्फ अगर वो एक घंटे के मैच अगर मैं उनसे एक 5% बेटर खेला तो भी मेरे को पता है कि मेरे को बहुत अच्छा चांस है जीतने का, तो बस मेरे को लास्ट में भी यही था बस कि अगर वो अच्छा खेल रहा तो ठीक है, मैं उनसे थोड़ा एक 5% अच्छा खेला तो बस। थैंक यू। काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज होती है सिंगल्स में, लाइक हमें तो इतनी पता नहीं, जैसे 3-corner स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं, जैसे आप गेम में आप कितने परसेंटेज तक उसको अप्लाई कर पाते हो? मतलब जो स्ट्रेटजी आप सोच के जाते हो, प्री बिल्ट होती है कुछ स्ट्रेटजीज प्लेयर के खिलाफ, तो आप कितनी स्ट्रेटजी अप्लाई कर पाते हो गेम में, एक्चुअल गेम में? एक्चुअली बहुत परसेंटेज होता है, मतलब मे बी 70-80% तक वो स्ट्रैटेजी में ही चलता है गेम पूरा। ऐसे नहीं कि एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी है, 2-3 स्ट्रैटेजीज होंगे, तो कुछ भी हर रैली कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी के ऊपर ही चलता है। अगर मैं कुछ सोच के अगर कोर्ट में जा रहा हूँ तो अपोनेंट भी कुछ सोच के मेरे खिलाफ कुछ सोच के ही आएंगे कोर्ट में, तो अगर मेरा स्ट्रैटेजी बेटर वर्क हो रहा है तो मैं वो कंटिन्यू करने के लिए सोचता हूँ, अगर जब मेरा स्ट्रैटेजी वर्क हो रहा है तो वो भी उनका स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए सोचते हैं, अगर वो उनका स्ट्रैटेजी चेंज करके अगर उनका बेटर हो रहा है तो फिर मैं अपना स्ट्रैटेजी चेंज करके उनसे बेटर खेलने का ये ट्राई करता हूँ, तो मोर ऑर लेस पूरा मैच स्ट्रैटेजी में ही चलता है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज मैं अपने हिसाब से खेलता हूँ, आज रैंडम, आज कोई स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, लाइक राउंड ऑफ 32 में, ऑफ 16 में, ऐसा कोई मतलब प्लेयर हो जिसके साथ आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं हो? नहीं, हर हर राउंड में स्ट्रैटेजी का ज़रूरत होगा,
क्योंकि वो ऐसा नहीं खेल सकते हम कि मैं आज बिना स्ट्रैटेजी के खेलेंगे, बिना कुछ सोचने के खेलेंगे, ऐसा तो चलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम बिना स्ट्रैटेजी के खेल रहे हैं मतलब हम डिसएडवांटेज में है, क्योंकि अपोनेंट एक स्ट्रैटेजी से खेलेंगे। तो अगर हम सही सही सोच के नहीं खेल रहे तो हम अपने एडवांटेज जो है वो अपोनेंट को दे दे रहे मिस कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा हर राउंड में हर पॉइंट में कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप कोई रिचुअल वगैरह करते हो, जैसे मैच से पहले आप रैकेट को किस करते हो बार बार, वो तो आपका नेचुरल है, मतलब आप इज्जत देते हो कि कोर्ट को भी और रैकेट को भी, या फिर कुछ और है इसका मतलब रीज़न? नहीं, जो नॉर्मली जो हम जितने भी लोग हैं जो मिडिल क्लास लोगों हाँ। से जो भी आते हैं वो उनको ऐसा शटल हो रैकेट हो उनसे उनको बच्चों ने बोला गया था कि ऐसा है कि जिससे मतलब अगर हम इज्जत दोगे तो वो हमें वापस इज्जत देते। अगर कोई भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको बुक्स उनके लिए भगवान हाँ। है। जैसे हम कोई अगर बैडमिंटन खेल रहे तो रैकेट और शटल हमारे लिए भगवान है, तो इज्जत देना है। तो उस तरीके से वो आया था, वो थोड़ा डेवलप हो के ऐसा आया था, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस वो तो मैं किस करता हूँ। अदर बैडमिंटन प्लेयर्स जो हैं करंटली वो पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, कभी पूछा किसी ने? नहीं, मतलब मैक्सिमम मतलब सब कंट्रीज में कुछ ना कुछ होते हैं। हम इंडियंस ऐसा किस करते हैं रैकेट को, जापानीज ऐसा नमस्कार करते हैं, तो वो जैसा करते हैं, हर इसमें होते हैं, हर स्पोर्ट में होते हैं, जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी करते हैं। तो वो जो बचपन से जो आते रहते हैं ना वो वैसा। पर रैकेट कौन सा यूज़ करते हो आप, शूज़ वगैरह, उसकी स्ट्रिंग टेंशन कैसी मतलब? मैं यूज़ करता हूँ लीनिंग का AX480। तो स्ट्रिंगिंग है लीनिंग नंबर 1 नंबर 1 और टेंशन है 32। हाँ, जैसे मैंने ये पूछना था, जैसे टेंशन जब हाई करते हैं मतलब तो उसमें आपका रिपल्शन कम होता है ना? जब टेंशन हाई होता है जब वो कांटेक्ट का वो फील अच्छा लगता है, स्वीट स्पॉट कम हो जाता है शायद से? नहीं नहीं, स्वीट स्पॉट कम नहीं होता है, कि नॉर्मली हम जब भी अगर खेल रहे हैं तो रैकेट के 80-90% रैकेट के बीच में ही लगेंगे। हाँ, हाँ, वो तो हमको वो उसका वो इतना फर्क नहीं पड़ता हमको। और जब वो एकदम बीच में लगता है तो वो वाला जो फील है वो 32 के टेंशन में और 28 के टेंशन में भी बहुत फ़र्क रहता है। तो जब वो हम 32 के टेंशन से जब वो कनेक्ट होता है तो हमको पता चल जाता है कि वो करेक्ट कनेक्ट हुआ है, और वो फील एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब सभी प्लेयर की अलग अलग फील होती है, कोई 33 पे भी अच्छा खेलता है, कोई 30 पे, लोग है जो 34-35 में भी खेलता है, और लोग है जो 26-27 और अलग अलग स्ट्रिंग्स में भी खेलते हैं। जो मैं नंबर 1 यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत पतला वाला स्ट्रिंग है, थोड़ा मोटे वाला स्ट्रिंग्स भी रहता है, तो लोग मोटे वाला स्ट्रिंग भी पसंद करते हैं, मैं पतला वाला स्ट्रिंग पसंद करता हूँ, उसमें साउंड भी अच्छी आती है। हाँ, शूज़ है लीनिंग DX Max 1। एवरी प्लेयर इज फेसिंग फ्रॉम इंजरीज, लाइक इवन इन द नेशनल और इन द लोकल स्टेट प्लेयर्स, आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम देयर बिहाफ, मतलब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो अपना गेम उस टाइम पे भी जब वो इंजर्ड है, मतलब क्या दिमाग में रखना चाहिए उसको उस टाइम पे? कुछ भी मतलब अक्रॉस द बोर्ड हर स्पोर्ट में इंजरीज कॉमन है। कुछ कुछ इंजरीज ऐसे होते हैं कि जब हम वार्म अप ठीक से नहीं करते या कुछ एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते, कुछ मसल्स वीक होते हैं और उसको हम ज़्यादा उस पर हम अगर ज़्यादा फोर्स लगाए तो फिर वो इंजरी होता है। और कुछ कुछ इंजरीज ऐसे है कि हम सब कुछ सही करते हैं, वार्म अप भी करते हैं, हर एक्सरसाइज भी ठीक से करते हैं, हर मसल को ठीक तरीके से देखते हैं, फिर भी इंजरीज होते हैं, जैसे कि एंकल ट्विस्ट है या नी ट्विस्ट होता है, कोई भरोसा नहीं, तो वो कुछ अनअवॉइडेबल है, तो इंजरीज तो होते रहता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम वार्म अप है उसके बाद और या प्रैक्टिस के बाद स्ट्रेचिंग जो है वो अगर ठीक से करके थोड़ा बहुत स्ट्रेंथनिंग हो ऐसा वो सब अगर ठीक से अगर करेंगे तो अगर इंजरीज हो रहा तो वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, पर वो अगर हम ये सब चीज़ अगर सही तरीके से अगर हम करेंगे तो इंजरी से कम बैक उतना ही जल्दी हो सकता है। और इंजरीज अगर नॉर्मली अगर Grade 2 होता है तो इसके वजह से Grade 1 में ही रुक जाएंगे और उसके कम बैक भी जल्दी होंगे, तो
ये जो छोटे मोटे चीज़ है, जो स्ट्रेंथनिंग है, जो सेशन के पहले जो जितना भी वार्म अप है ये सब कर सकते हैं, या सेशन के बाद जितना भी स्ट्रेचिंग कूल डाउन ये सब कर सकते हैं, वो सब अगर डेली बेसिस में अगर करेंगे तो थोड़ा बेटर है। अभी व्यूवर्स ने मैंने एक वो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आपका पूछना हो तो उन्होंने ये पूछा था, मतलब मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन था कि जैसे लोकल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे कोई भी प्लेयर, जैसे आप हरियाणा की, मैं हरियाणा की तरफ से खेलता हूँ, तो दूसरी साइड से ज़्यादा चीयरिंग हो रही है, हमारी साइड से इतनी चीयरिंग नहीं हो रही, तो उस टाइम पे क्या दिमाग में रखना चाहिए कि मतलब उस सिचुएशन में घबराए नहीं कि चीयरिंग की वजह से हमारी परफॉर्मेंस डाउन ना हो, मतलब क्या दिमाग में रखें? हमने अगर ठीक तरीके से स्ट्रेटजी प्लान करके हम अगर मैच स्टार्ट किए, तो अगर वो स्ट्रेटजी के ऊपर हम सोच रहे हैं, सिर्फ वो स्ट्रेटजी के ऊपर हम सोच रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि अगले पॉइंट कैसे खेल लें, तो हमको ये ज़्यादातर कि ये बाहर का जो भी आवाज़ है वो इतना हमको सुनाई नहीं देगा। अगर हमने बाहर की तरह ज़्यादा फोकस किया कि हमने अगर ऑलरेडी हमने ऐसा सोच लिया कि हम अभी ये आंध्र प्रदेश में खेल रहे हैं, आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी के अगेंस्ट, फिर हमारा दिमाग में ये स्ट्रैटेजी से ज़्यादा हम ये सोच रहे हैं कि हम ऑलरेडी डिसएडवांटेज में है, हम लोकल प्लेयर से खेल रहे हैं तो हम अगेंस्ट क्राउड खेल रहे हैं, अगर हमने इतना कुछ पहले मैच के पहले ही इतना कुछ सोच रहा है तो हम उससे बाहर आ ही नहीं पाएंगे कभी। हमको बस सिर्फ दिमाग में हमेशा के लिए ये होना है कि हमारा स्ट्रेटजी क्या है, हमको क्या खेलना है और हमारा बेस्ट देना है, बस ये मतलब तीन चीज़ों, हमें जो हम प्रिपेयर करके आए हैं हमें उस पर फोकस करना है, आउटसाइड एनवायरनमेंट जो हमारे कंट्रोल में जो है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। जो अभी ऐसा है कि हम जो क्राउड का सपोर्ट है या अपोनेंट कैसे खेल रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो हम ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना भी हमारे कंट्रोल में है हम कैसे खेल सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी से खेल सकता है, उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे आप किसी प्लेयर के साथ खेल रहे हो, जूनियर के साथ खेल रहे हो अपने, जैसे लक्ष्य सेन या फिर प्रियांशु या फिर कोई भी इंडियन प्लेयर, तो नेशनल्स में भी, तो जैसे वो आपसे एक पहला सेट जीत जाते हैं और दूसरे सेट में भी आगे हैं हाफ इंटरवल में, तो उसमें दिमाग में क्या रहता है अगर ये जीत गया तो मतलब इज्जत वगैरह पे बात आ जाएगी या फिर ऐसा कुछ, मतलब दिमाग में चलता ही होगा, मतलब बहुत हर एक के दिमाग में चलता है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलता है, मतलब प्लेयर हो आप उसके दिमाग में भी चलता होगा हाय कभी ये तो कमबैक करेगा ही। चीज़ बहुत सिंपल है, जो आपके लाइफ में आपने अचीव किया है वो शायद से मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा, जो मेरे लाइफ में मैंने अचीव किया है वो शायद आपको मुश्किल होगा, तो सबका अलग अलग लाइफ है, सब अपने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, तो हम किसी से कंपेयर नहीं करना है कि वो ऐसा कर रही है ऐसा कर रहा है, बस हमको ये होना चाहिए कि उस मैच में अगर जूनियर हो सीनियर हो अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हम जीतेंगे, अगर वो अच्छा खेल रहा है तो वो जीतेंगे, बस अगर हम जीत गया तो अच्छा है, अगर हार गया तो बस हम ये सोचना है कि हम क्या अच्छा नहीं खेला उस दिन और उसके ऊपर वर्क करके अगले बार जब भी हम खेलेंगे तो वो बेटर अप करने के लिए सोचना, बस मतलब डिफरेंशिएट नहीं करना, शायद छोटा डिफरेंशिएट नहीं, कंपेयर नहीं करना, कंपेयर नहीं करना चाहिए ऐसा, अगर एक मैच से कुछ इतना कुछ बदलेगा नहीं, हाँ बदलेगा नहीं लाइफ में, तो मतलब अभी एक मैच ठीक है, अभी अगर कुछ कुछ दिन होंगे जिस दिन अपोनेंट भी अच्छा खेल लेंगे क्योंकि वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी इतना ही मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना ही अपोनेंट भी मेहनत कर रहे हैं, तो हम बस ये सोचना है कि उस दिन वो अच्छा खेला है हमने अच्छा नहीं खेला है, बस क्या अच्छा नहीं खेला करके उसके ऊपर फोकस करना। बैडमिंटन में तो ये बहुत ज्यादा होता है कि आज उसका दिन था, कह देते हैं कि आज भाई लगे नहीं स्ट्रोक ही नहीं लगे, छोटे-मोटे चीज होंगे, अगर हमारे स्ट्रेटजी और उनके स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर उनका स्ट्रेटजी हमारे स्ट्रेटजी से थोड़ा बेटर है तो वो जीत सकता है, तो अगर हमारा स्ट्रेटजी बेटर है तो हम जीत सकते हैं, तो बस क्या वर्क नहीं हुआ उस दिन उसके ऊपर सोच के वर्क करके अगले बार जो लीनिंग का कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो आप लीनिंग स्टूडियो से बाय कर सकते हो, मैंने लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो ANBAD, तो आपको लीनिंग के प्रोडक्ट्स पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा।